আমি দুঃখিত যে রাম বাম শাম এরা তিনজন প্লাস আরেকজন চারজন মিলে জোট বেঁধেও মোয়া ঘোট বেঁধেছিল। তাদের এইসব প্ল্যানিং ছিল গণ্ডগোল করবার, কি করেনি? কোর্ট আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছে আমরা মেনেছি, বিএসএফ পাঠিয়েছে মেনেছি, সিআরপিএফ পেটেছে মেনেছে মেনেছি, 800 ফোর্স পাঠিয়েছে মেনেছি, সবটাই তো মেনেছি, আর বাকিটা কোথায় আছে? ত্রিপুরায় যখন 93% সিটে ইলেকশন হয় না, কোথায় থাকে তখন ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি অথবা কিছুটা কিছু আপেল যারা সেজে গুজে বসে পড়েন টিভিতে বড় বড় কথা বলেন? ये सुशीला मंडल है, मालूम है ना आपको? अति पिछले समाज से आती है। ये क्या हो रहा है ममता जी, ये क्या हो रहा है? एक गरीब की झोपड़ी में आपके लोग आकर के उठापटक करते हैं, तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, इसके बेटे को कटारी से मारते हैं, और उसकी सुरक्षा के लिए पार्टी को उसके लिए बाहर व्यवस्था करनी पड़ती है, और बात करती है लोकतंत्र की। शर्म आनी चाहिए ममता जी आपको। পঞ্চায়েত ইলেকশন করতে গেলে বা প্রবলেম হচ্ছে কি? কোথাও কোথাও আছে বিনা রাজনৈতিক পঞ্চায়েত, আর কোথাও কোথাও আছে রাজনৈতিক পঞ্চায়েত, ফলে একটা ফ্যামিলি থেকে চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে যায়, এ ওর মুখ দেখে না, ওর মুখ দেখে না। গ্রামেগঞ্জে এগুলো হয় পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময়টা, অন্য সময় হয় না। কাজে এটা আপনার হাতেও নেই, আমার হাতেও নেই। ইনকো ন্যায় মিলনা চাহিয়ে, मैं उम्मीद करूंगा पुलिस सुरक्षा देगी, इनका बेटा इनकी बहू यहां आ सके। और ममता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक गरीब सुशीला मंडल का बेटा और बहू अपने गांव के घर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसका एक कतरा भी किसी बीजेपी रूल स्टेट में हुआ होता तो तूफान खड़ा कर देते कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, सीपीआई, नीतीश कुमार, जो इतने लोग बने हुए हैं। और यहाँ एक गरीब के साथ ये बदसलूकी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम अपील करेंगे इसके बेटे को सुरक्षा में इसके घर लाया जाए। ये अपने बेटे बहू के लिए तड़प रही है।